हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनियाज किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चना दाल और पालक से बनी बहुत ही टेस्टी रेसिपी, जिसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कप चना दाल ली है। इसको मैंने लगभग 2 घंटे के लिए सोक कर दिया था। अब ये अच्छे से फूल चुकी है और यहाँ पे मैंने 200 ग्राम पालक लिया है, जिसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। इसमें हम यूज करेंगे, जो कि इसका तड़का बनाने के लिए हम यूज करेंगे, एक बारीक कटा हुआ प्याज मीडियम साइज का, 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं जिनको मैंने यहाँ पे फाइनली चॉप कर लिया है, और टमाटर को मैंने यहाँ पर छील कर यूज करा है, क्योंकि जो टमाटर का छिलका होता है वो उसे टेस्ट अच्छा नहीं आता है। 2 हरी मिर्च ली है मैंने यहाँ पर, जिनको मैंने बीच में से स्प्लिट कट कर लिया है। 1 चम्मच मैंने यहाँ पर लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। आप पेस्ट की जगह लहसुन अदरक को कट करके भी डाल सकते हैं, बस उनको थोड़ा बारीक कट करना है या फिर ग्रेट करके डालें आप। सबसे पहले चना दाल को हम यहाँ पर बॉईल करेंगे। इसके लिए चना दाल को मैं ऐड करूंगी कुकर में। और इसमें मैं ऐड करूंगी 1 कटोरी पानी। इसमें मैं ऐड करूंगी आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी, और अब मैं इसमें ऐड करूंगी लगभग 1 चम्मच कुकिंग ऑयल। इसको हम एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मैं इस ढक्कन बंद कर दूंगी और दाल को हमें 2 सीटी आने तक पकाना है, क्योंकि हमने इसे ऑलरेडी भिगो रखा था 2 घंटे पहले, तो इसे हमें ज्यादा कुक नहीं करना है और लगभग 80-90% हम इसे कुक करेंगे। सो गाइज, हमारी जो दाल है ये बॉईल हो चुकी है। हमें इतनी ही इस दाल को बॉईल करना है इस सब्जी को बनाने के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आगे का प्रोसेस, यानी कि तड़का बनाना। तड़का बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई को गर्म कर लिया है। सबसे पहले हम कढ़ाई में ऐड करेंगे सरसों का तेल, लगभग 2 टेबलस्पून। मैं सरसों का तेल यूज कर रही हूँ, आप कोई भी कुकिंग ऑयल का यूज कर सकते हैं इसमें। इसको हम अच्छे से गर्म होने देंगे। ऑयल यहाँ पे अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी आधा चम्मच जीरा, और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूंगी 2 छोटे तेज पत्ते, एक टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा है ये इलायची दालचीनी का, और 2 लौंग डाल रही हूं मैं इसमें, और थोड़े से 1/4 टीस्पून कह सकते हैं आप, मैं इसमें साबुत धनिया डाल रही हूं सूखा हुआ। इसको हम अच्छे से भुनेंगे। जीरा और बाकी मसाले यहाँ पे अच्छे से भुन चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी बारीक कटा हुआ प्याज, तो हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। प्याज को भूनने का जो काम है वो हमें मीडियम फ्लेम पे करना है। हाई फ्लेम पे करेंगे तो प्याज जो है जल जाएगी। प्याज भून चुकी है, अब मैं इसमें ऐड करूंगी हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अदरक लहसुन और मिर्च के भूनने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी 1/4 टीस्पून हल्दी। मैं थोड़ी हल्दी इसलिए यूज कर रही हूं क्योंकि हमने दाल को बॉईल करते टाइम उसमें ऑलरेडी हल्दी का यूज करा हुआ है। और मैं इसमें यूज करूंगी आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे दाल में बहुत ही अच्छा कलर आता है, और इन दोनों को हमें प्याज के साथ ही भूनना है, इससे जो है बहुत ही अच्छा कलर आएगा दाल का। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी टमाटर। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसे 1 मिनट के लिए कवर करके
लो मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से गल जाएं। एक बार हम इसे चेक कर लेंगे। टमाटर जो है ये गल चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच सब्जी मसाला और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हमें कोई भी एक्स्ट्रा मसाला डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सब्जी मसाले का यूज करेंगे हम इसमें। या फिर अगर आप गरम मसाला डालना चाहते हैं तो आप सब्जी मसाला ना डालकर गरम मसाले का यूज कर सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे फ्रेश कटी हुई पालक अगर आप पालक दाल इस तरीके से बनाते हैं तो बच्चे और बड़े सभी बहुत ही आसानी से खा लेते हैं इसको, बहुत ही टेस्टी बनती है ये। इसमें मैं ऐड करूंगी 1/2 चम्मच नमक। नमक हमने ऑलरेडी दाल में बॉईल करते टाइम डाला हुआ है, इसलिए नमक का आप ध्यान रखें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इसको हम मिक्स कर लेंगे। फिर से हम इसे 2 मिनट के लिए कवर करके पका लेंगे। सो गाइज, पालक को पकते हुए यहां पर 2 मिनट हो चुके हैं। मैं इसको एक बार चेक कर लेती हूँ। सो गाइज, पालक यहां पर रेडी हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे दाल। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दाल को मिक्स करने के बाद इसे हमें मीडियम फ्लेम पे लगभग 5 से 7 मिनट तक पकाना है। दाल को मैंने यहां पे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे 5 से 7 मिनट तक ढककर पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। दाल को पकते हुए यहां पर 5 मिनट हो चुके हैं। एक बार मैं इसे चेक कर लेती हूँ। हमारी जो दाल है वो अच्छे से पक चुकी है और इसकी जो कंसिस्टेंसी है हमें इतनी ही रखनी है। इसको ज्यादा लिक्विड फॉर्म में या ज्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है। सो पालक चना दाल जो है वो रेडी हो चुकी है। अब इसकी जो फ्लेम है उसको मैं ऑफ कर दूंगी और इसको हम सर्व कर लेंगे। सो गाइस, तैयार है हमारी पालक चना दाल। इसको मैं गार्निश करूंगी बारीक कटे हुए हरे धनिए से और हम थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे अदरक के लच्छे। और ये हमारी पालक चना दाल रेडी हो चुकी है। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें।